Yes, good morning all students. Class first, welcome to Akanksha Convent School. अपन chapter 5 की ओर चल रहे थे. Chapter 5 में मैंने part 1, part 2 करवा दिया था. आज part 3 की ओर चलेंगे, बड़ी की मात्रा वाले chapter, है ना. बड़ी की मात्रा का chapter में आपको read and written दोनों, पढ़ना और लिखना दोनों करा रही हूँ. One time लिखना है, 3 times आपको बोलना है, ठीक है. आप वर्क करेंगे नीट एंड क्लीन नोटबुक में, ओके बेटा, ढंग से करेंगे, एकदम सुंदर सुंदर और रीड कर करके करेंगे, ओके. यस, स्टार्ट कर क्लास फर्स्ट टाइम में. यस, क्या है बेटा? नीरा. क्या लिखा है ये? नीरा की दादी आई. नीरा की दादी आई. जीता दीदी. जीता दीदी भी साथ आई. नीरा की दादी आई, गीता दीदी भी साथ आई. आपको अगर बोलने में नहीं आता है तो आप नीचे की लाइन ले सकते हो बेटा, है ना. नानी नीली पीली साड़ी पहनकर पहनकर आई. वह पपीता नाशपाती नाशपाती पपीता नाशपाती लीची और नाशपाती लीची और खीरा लाई. खीरा लाई. गीता खीर व मिठाई लाई. मिठाई लाई. नीरा नीरा की नानी. नीरा की नानी खीर पकाकर पकाकर लाई. तभी बिजली तभी बिजली चमक पड़ी. चमक पड़ी. तभी बिजली चमक पड़ी. नानी खीर पकाकर लाई. तभी बिजली चमक पड़ी. सब बड़े की मात्रा है देखो, है ना. नानी फिसलकर नानी फिसलकर गिर पड़ी. ठीक है ना. ये देखो, नीरा की दादी आई, गीता दीदी की साथ आई, नानी नीली पीली साड़ी पहनकर आई, वह पपीता नाशपाती लीची और खीरा लाई, गीता खीर व मिठाई लाई, नीरा की नानी खीर पकाकर लाई. तभी बिजली चमक पड़ी. नानी फिसलकर
गिर पड़ी। देखो पेज नंबर 19 है बेटा, आपको इसको रीड भी करना है। पेज नंबर 19 डायरी से क्या भैया, पेज नंबर 19 रीड। पेज नंबर 19 में जितने भी वर्ड आते हैं बड़ी की मात्रा के, वो आपको रीड करने हैं। बड़ी की मात्रा है, रीड भी करना है और लिखना भी है। नॉर्मल मनी टाइम क्लीन सुंदर सा वर्क करेंगे, है ना, पूरा अच्छे से करेंगे। ठीक है बेटा, कर लोगी? ओके, थैंक यू।